टोंक जिले से है, जहां बीसलपुर बांध से जयपुर जा रही पेयजल मुख्य लाइन का एयर वॉल्व लीकेज सामने आया है। बता दें कि पाइपलाइन का मेंटेनेंस का काम देख रही GCKC कंपनी की लापरवाही सरकार बदलने के बाद भी जारी है। करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी कंपनी मेंटेनेंस पर खर्च नहीं वॉल्व को ठीक कराया। इस दौरान सहायक अभियंता जैन ने बताया कि एयर वॉल्व में हुए लीकेज के चलते जयपुर समेत अन्य क्षेत्र की पेयजल सप्लाई में रुकावट नहीं आई है। टोक से कजौर गुर्जर की रिपोर्ट। जयपुर के लिए बीसलपुर की जो पेयजल सप्लाई की लाइन पाइपलाइन जा रही है 2400 mm डाया की MSP, उसके ऊपर एयर वॉल लगा हुआ था। मैं वहाँ के गांव वाले और सूचना प्राप्त होने पर हम मौके पर पहुँचे हैं और मौके पर चेक करने पर पाया गया कि उसके एयर वॉल में लीकेज है। हमारे कंपनी वाले JCKC वाले द्वारा सभी लोगों ने मिलकर उस एयर वॉल को सही कर दिया गया है और सप्लाई अब सुचारू रूप से चालू कर दी गई है। जयपुर की सप्लाई में किसी प्रकार की कोई बाधित नहीं होगी, सप्लाई लगातार।